पर किसान को सरकार ने यहाँ बिजली नहीं देने से उसकी बैल जोड़ी 1 लाख की उसको 25,000 में लाके खड़ी, क्या करेगा किसान, क्या करेगा? मोदी तो है सरकार जी, मोदी मन में क्यों है? क्या रोजगार मिला है? आपने कहा कि रोजगार मिला इसलिए, पर आप बता रहे कि रोजगार नहीं मिला सर। ये 1500 नहीं चाहिए हमें, हम बोल रहे कि हमको रोजगार चाहिए, मतलब नहीं है उसके 1500 से हमको। इस चुनावी यात्रा में हम पहुंच चुके हैं पांजरा। ये पांजरा गांव जो है ये कटंगी विधानसभा क्षेत्र में आता है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर कुछ आयोजन है ऐसा लग रहा है और ये सामने कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है काका? खीर है, शरद पूर्णिमा आज तो। जी क्या क्या डाला है इसमें? लौंग, इलायची, साबुतदाना, शक्कर है, तुलसी के पत्ते है, खोबरा किस है। तो ये क्या, ये कोई विशेष परंपरा है यहाँ पे, हमेशा से होता है? समय हर साल, हर साल। ये इस वक्त इस पांजरा जो गांव है यहाँ पर ये खीर बनाने का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ आज सारा गांव यहाँ पर आएगा और यहाँ पर खीर खाएगा, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा का ये अवसर। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में जो है बहुत सारे लोग क्या क्या काम करते हैं यहाँ पे ज्यादातर? यहाँ पे सर खेती बाड़ी है और कुछ कारागिर है, कारागिर लोग हैं। किस प्रकार के कारागिर? जुड़ाई, ईटा जुड़ाई वाले, कुछ मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन वाले, और कुछ कारपेंटर भी है। अच्छा, सरकारी कर्मचारी कोई नहीं है? सरकारी कर्मचारी बहुत कम है यहाँ के लोग। कोई सरकारी नौकरी में कोई? चार लोग है। क्या क्या बने? वो शिक्षक है, और एक पटवारी है, और आर्मी में है दो। क्या कारण है इतने कम लोग यहाँ पे सरकारी नौकरी में है? लोग नौकरी नहीं करना चाहते क्या है? यहाँ पे एक अभाव है कि यहाँ पे शिक्षा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ स्कूल जो है ये जो नदी के कारण बच्चे यहाँ से उस तरफ नहीं जा पाते, और इस बीच में ये हो जाता है कि बाढ़ आने के कारण जो है, तो बाढ़ आने के कारण जो बच्चे जो मिडिल से निकल करके, हमारे यहाँ पे मिडिल स्कूल है, मिडिल से निकल करके हाई स्कूल जाना चाहते हैं तो वही लटक जाते हैं। अच्छा। तो हाई स्कूल से अब कटंगी बहुत दूर हो जाती है जी। और जो जरामो गाँव है, कटंगी ब्लॉक है, तो वहाँ ये एडमिशन नहीं होता, इस वजह से जो है तो पढ़ाई का स्तर नीचे आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है। कौन सी क्लास तक यहाँ पे स्कूल? यहाँ पे सर वो जो बस्ती है आगे, वहाँ पे है 8वीं तक। कितनी दूर जाना पड़ता है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इस जगह से 1 किलोमीटर दूर? हाँ, मिडिल स्कूल है। पैदल जाते बच्चे? हाँ, पैदल। उसके बाद फिर पढ़ना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? पढ़ना हो तो फिर वही जराम होगा या तो फिर कटंगी। कितनी दूर पड़ता है? कटंगी यहाँ से फिर भी 13-14 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर। इतनी दूर कोई साधन यहाँ से आने जाने नहीं? कोई साधन नहीं। तो इतने साल हो गए यहाँ पे कोई बस नहीं आती? नहीं नहीं, बस नहीं आती। कोई दूसरा कोई सरकारी साधन आने आवागमन का क्या साधन? नहीं, कोई साधन नहीं। लोग कटंगी जाना होता है तो कैसे जाते हैं? वो फिर अपने साधन से जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल से जाता है या तो फिर ऑटो वाले को बुलाते हैं। अच्छा, कभी कोई समस्या आ गई, जैसे कोई स्वास्थ्य की समस्या आ गई, कभी किसी कोई गंभीर बीमार हो गया, कोई महिला हो, कोई अगर डिलीवरी का मसला हो, तो फिर ऐसे में? हाँ, फिर यहाँ पे कार्यकर्ता है। अच्छा, उसके जरिए से फिर वो 108 पे मतलब कॉल करते हैं, या फिर अगर वो उपलब्ध नहीं होती है तो फिर एक निजी गाड़ी किसी की भी अपने वो वहाँ बस्ती में है तो उसको बुला लेते हैं। अच्छा, तो मतलब वहाँ से फिर जाना पड़ता है? हाँ, वहाँ से जाना पड़ता है। डॉक्टर की यहाँ सुविधा वगैरह? नहीं, डॉक्टर की सुविधा नहीं है। कोई सुविधा? स्कूल भी नहीं है? नहीं नहीं। इसके अलावा क्या सुविधा है यहाँ पर? हाँ, इसके अलावा सर कोई सुविधा है नहीं है, बस खेती बाड़ी पर निर्भर है, और शिक्षा का स्तर बहुत कम है। इतने सालों में कभी आप लोगों ने डिमांड नहीं की, कभी मांगा नहीं? क्योंकि यहाँ से ना सर,
डिमांड किए, पर हमारे साथ में एक ही समस्या आई। अभी तो वो पुलिया के बारे में आवेदन दिए, हमारे नेता लोगों को भी लाए, वो बात विधानसभा तक गई भी है, पर हुआ कुछ भी नहीं। हुआ कुछ भी नहीं, नहीं। अच्छा। इतने सालों तक के शिवराज सरकार चली है तो शिवराज सरकार ने भी नहीं सुनी आप? नहीं नहीं, अब क्या कारण है? अच्छा। आप बताते हैं कि हम कोशिश में लगे हैं। अब कोशिश में लगे। हाँ, अब तो इलेक्शन आ रहा है। अब तो इलेक्शन आ रहा है तो देखो, अब इलेक्शन में क्या होता है, अब सरकार अगर ध्यान देती है तो अच्छी बात है। अच्छा, आपको किससे उम्मीद है? सर, सरकार पे तो हम आधारित है, पर इतने वर्षों से सरकार अभी हमारी अनसुनी बात देख कर रही है। बात को अनसुनी कर रही है ना, तो हम इसे नाराज है। जो फिर तो इतना मतलब कह रहे हैं कि बहुत सारे जो है गैस सिलेंडर दिया है, गैस चूल्हा दिया है, और 1500-1500 रुपए 2000 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं, इसके बावजूद नाराज हैं? नहीं, वो सब ठीक है साहब। वो सब ठीक है, वो योजना अच्छी है, शौचालय बनाए वो भी ठीक है, आवास मकान दिए वो भी ठीक है, लाडली बहना वो भी सब ठीक है, पर हमारा एक ही मेन है कि ये पुलिया जो इसको जोड़ता है खैरलान जी को, हमारा ब्लॉक है खैरलान जी। अच्छा। तो हमारा यहाँ से जो आवागमन है वो अवरुद्ध है, अभी भी यहाँ से हम नहीं जा सकते, बच्चे नहीं जा सकते, तो बरसात की तो बात ही अलग है। तो मूल समस्या ये है कि अगर शिक्षा की व्यवस्था हो तो ज़्यादा बेहतर हो, रोजगार के साधन हो अगर हो तो ज़्यादा बेहतर हो। तो मतलब तमाम योजनाएं, लाडली बहना और उज्ज्वला योजना, सिलेंडर और तमाम सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दी जा रही हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर जो यहाँ के लोगों की जो डिमांड है, जो मांग है, वो है कि इन्हें शिक्षा का सुलभ जो है वो यहाँ पर व्यवस्था मिल जाए, ताकि बच्चे पढ़ लिख लें और उन्हें अच्छी नौकरी, अच्छा जो है जो रोजगार वो ले सके। आप यहाँ के रहने वाले? जी जी। ये बताइए कि जो सरकारें जो इतनी सारी योजनाएं चला रही हैं, आप लोग उससे खुश हैं? वो तो सरकार का काम ही, भारतीय संविधान में संविधान निर्माता ने ये बात रख दी है कि जिसकी भी सरकार बनेगी धाराओं के तहत आपको काम करना पड़ेगा, कोई अपने घर से तो वो नहीं करते, संविधान के आधार पे ये काम कर रहे हैं। वो सरकार बनेगी तो उनको काम ही करना पड़ेगा, पर क्या है, लुभावने वादे देते हैं, इससे जनता एक धोखे में है। अभी जैसे मान के चलना चाहिए, हमारे मध्य प्रदेश में किसानों को 8 घंटा बिजली मिल रही है, तो किसानों से जो कि 2400 घंटे किसानों को बिजली मिलना चाहिए, हमारा गांव कृषि प्रदाय है और इसमें हमारे गांव में लगभग 400 से 500 पंप है। अच्छा। 500 पंप है, और बिजली के अभाव में हमारे गांव के किसानों की जो आर्थिक स्थिति है, सरकार की मंशा है कि आपकी आर्थिक स्थिति उठाएंगे, पर बिजली 8 घंटे मिल रही है तो कहाँ से आर्थिक स्थिति किसानों की उठेगी। हमारे गाँव में 50 डिसमिल का भी किसान है, पर उसके पास में 1 लाख रुपये की बैल जोड़ी रखता है, इतना किसान सक्षम है, पर किसान को सरकार ने यहाँ बिजली नहीं देने से उसकी बैल जोड़ी 1 लाख की उसको 25,000 में लाके खड़ी, क्या करेगा किसान, क्या करेगा? ये हालत, माली हालत किसानों की ऐसी, सरकार की सिंचाई की सुविधा नहीं है, सिंचाई की नहीं होने के, बिजली नहीं मिलने से पर्याप्त जी। और हम लोग बार बार सरकार से मांग पत्र, यहाँ कैबिनेट मंत्री आए थे पिछड़ा वर्ग के आयोग के, गौरीशंकर बिशेन, पिछले वर्ष पुलिया तक के वहाँ नदी में लेके गए हम लोगों ने, बैंड बाजे के साथ में लेके गए, सरकार के प्रतिनिधि थे, वो आश्वासन देके चले गए, पर हमारे पुलिया नहीं बन पाया, और हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे और हम लोग, डॉक्टर की भी अव्यवस्था है, हम गजपुर में जाना पड़ता है, हमको छोटे मोटे डॉक्टर है या कटंगी उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह सब तमाम वहाँ, पटवारी मुख्यालय है, शासकीय उचित मूल्य की दुकान है, तमाम बातें, सोडा वगैरह भी किसानों को वहीं से प्रदाय होता है। अच्छा। ऐसी समस्या हमारे साथ में, इस गांव की पांजर बड़ी समस्या, कठिन समस्या से हम लोग। अच्छा, राशन के लिए आपको दूसरी जगह जाना पड़ता है? राशन तो अभी यहाँ मिलता है पांजरा में, पर रासायनिक खाद है किसानों के लिए, ये हमको वहाँ से लाना पड़ता है, और यहाँ से अगर हमको जाना है तो 12-15 किलोमीटर का फेरा लगाते हुए गजपुर जाना पड़ता है, हमारा मुख्यालय गजपुर है,
उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह तमाम। सरकार ने तो अपनी जो उपलब्धियां गिनाई हैं उसमें ज्यादातर जो वो बता रहे हैं कि उन्होंने शौचालय बना दिए, उन्होंने जो है उज्ज्वला योजना से सबको गैस दे दिया, सिलेंडर दे दिया है, और इसके अलावा वो महिलाओं को पैसे भी दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? ये तो ये सरकार ये लुभावनी बात है, वो तो कानून के तहत ही देना। मैं भी अगर सरकार में बैठूंगा तो मेरे को तो संविधान के दायरे में काम ही करना पड़ेगा। आज मैं अगर कोई सरकार है 1000 दे रही है, मैं कल अगर बैठ गया, मेरे यहाँ की आर्थिक स्थिति राजस्व आय अच्छे से अच्छी हो गई, जुट गई, एक 5000 का मैं बता रहा हूँ उधर, मेरे यहाँ पर्याप्त बिजली मिल गई किसानों को, राजस्व आय बढ़ गया किसानों के पास में, तो वो कुछ भी कर पाए बैठेगा, तो वैसा है, वो सरकार पर निर्भर है। अब ये तो संविधान के दायरे में सारी बातें आती है सर भाई। इनकी सरकार जैसी बैठ गई, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, तो जैसी सरकार बैठ गई वैसी 450 में गैस सिलेंडर दे देना था, ये तो लुभावनी वादा हो गया ना भाई। मैं तो निष्पक्ष बात कर रहा हूँ भाई, जैसी सरकार बैठ गई वैसे ही अगर 450 में या 500 में सिलेंडर देते थे, उसी समय लाडली बहना योजना लागू कर देते, तो ये मजे की बात रहती। कब शुरू किया आपने? ये अभी तो एक माह हुआ है, चुनाव के पहले किए इनने 2 माह पहले, तो ये संतोषजनक बात नहीं है। अब किसी को संतोषजनक लगती होगी, मुझे तो नहीं लगती है कि ये लुभावनी वादे हैं। ये खुशी क्यों अभी बताइए, आप क्या करते हो? खेती किसानी। हाँ जी। पढ़ाई लिखाई? हाँ जी, 10वीं पास। हाँ जी। उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई नहीं की? नहीं। तो क्या खेती करने के इरादे से ही नहीं की, या फिर आप उसके जाने आने की गजपुर हाई स्कूल गजपुर में था, नदी की वजह से जाना आना नहीं होता था, समस्या थी इसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई। अगर सुविधा होती तो करते? हाँ ये करते। अच्छा, तो अब आप खेती किसानी कर रहे हैं, कितने लोग हैं घर में? घर में हम 2 भाई है और 2 माँ है, हम 2 हैं, 6-7 लोग हैं परिवार में। अच्छा, 6-7 लोग हैं। हाँ। हो जाता है, चल जाता है खेती? हाँ, चल जाता है खेती बाड़ी, सब क्या करोगे खेती बाड़ी से। अच्छा, जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, जैसा कि शिवराज सरकार ने कहा था कि आय को दुगनी करेंगे और जो खेती का जो व्यवसाय है वो लाभ का व्यवसाय उसे बनाएंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी जो बातें थी जिसमें सही उचित मूल्य जो है वो उसको समर्थन मूल्य जो है वो भी देने की बात हुई, आपको क्या लगता है जो आप उगाते हैं उसका मूल्य मिल पाता है? नहीं मिल पाता समय पे भी, तो कम से कम धान 2500 रुपये क्विंटल बिकना था जी, अभी हालत में धान तो उसमें रेट अभी 2100 रुपये समथिंग ऐसा है। कम से कम किसान को 3000 रुपये समर्थन मूल्य मिलना चाहिए मोटे धान का काम ये सम, हाँ कम से कम 3000 रुपये, तब जाकर के किसानों की आय दुगनी होगी। सरकार कहती है कि किसानों की आय दुगनी हो रही है, हमें कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि किसानों की आय दुगनी हो रही है। अच्छा, तो ये जो बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि शिवराज सरकार फिर एक बार संभव है, सर सरकार चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, सरकार लुभाने वादे कर देती है, जनता को ठग लेती है, सरकार बन जाती है, उसके बाद में कुछ भी वादा पूर्ण नहीं कर पाती। तो इतने जो 15 साल से सरकार चल रही, बीच में थोड़ा सा समय जो था वो कांग्रेस का भी रहा है, तो आपके इसमें परिवर्तन कितना है? सर परिवर्तन तो सर पिछले कांग्रेस ने भी शासन की, उसके बाद में भी कुछ दशकों से बीजेपी आई है, हमको तो ये लगता है कि दोनों चोर मौसेरे भाई। अच्छा, ऐसा लगता है हमें चोर मौसेरे। जी हाँ। मतलब क्यों ऐसा लगता है भाई? सर क्योंकि जो संविधान के नियम के तहत जो कार्य होना चाहिए, जो संविधान में लिखा है, उसके गरीबों के हित में, बेरोजगारों के हित में, आज बेरोजगारी भी इतनी समस्या है कि हमारे यहाँ बच्चे जो बेरोजगार है कुछ 12वीं पढ़ के BSc किए हुए हैं, BA किए हुए हैं, आज कम से कम 15-20 लड़के यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये एक समस्या बेरोजगारी की, तो सरकार इन लोगों पे ध्यान देना चाहिए। तो जी कांग्रेस अभी बहुत सारी गारंटी दे रही है, जिसमें 7 गारंटी उन्होंने गिनाई है, किसी को मालूम है इसके बारे में? जो 7 गारंटियों की बात कही है कांग्रेस ने, वो उनका कहना यह है कि ये जो गारंटी हम देना चाहते हैं, क्या लोगों को उसके बारे में जानकारी है, क्या लोग तक वो बात पहुंची है, जानना चाहें, क्या आपको पता है कौन सी गारंटी दी है सर? वो तो अभी घोषणा पत्र हमने पढ़े नहीं है। 7 नहीं, इनके तो 400 घोषणा पत्र आएंगे, इनके लुभावने वादे, जनता को ठगने के वादे निकालेंगे बस, पर जनता को बेरोजगार लड़के हैं, आज ये लड़का पढ़ा लिखा है, ये कितने सालों से नौकरी की? क्या नाम है? सर मैं रुपेंद्र कावरे लिखता हूँ जी। क्या पढ़ाई? सर मैं ग्रेजुएशन है, 8 से ग्रेजुएशन किया हूँ और कंप्यूटर साइंस भी है मेरा। अच्छा जी। तो आप इसी गांव के रहने? जी मैं इसी गांव का नागरिक हूँ।
बाकी बच्चे पढ़ लिख नहीं पाए, उसके उनका कहना यह है कि यहाँ से यहाँ शिक्षा की व्यवस्था वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, नज़दीक नहीं है, सुविधाएं नहीं है, जिस कारण से बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाए। जी बिल्कुल, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल उतनी सुदृढ़ नहीं है। स्कूल भी यहाँ से लगभग 5-7 किलोमीटर के दूर पर है। सबसे पहली बात हमारे यहाँ चंदन नदी है, यहाँ पुल नहीं बन पा रहा, और करीब 10 से 15 से 20 साल लगभग जो नेता यहाँ आते हैं वादे करके जाते हैं कि पुल नहीं बन रहा है। मेन प्राथमिकता सर, यदि पुल बन जाता तो हमारे एजुकेशन जो है, बच्चे गजपुर 3 किलोमीटर जाके पढ़ाई कर सकते हैं और शिक्षा में सुधार आ सकता है, और अति आवश्यकता है कि ये पुल बने, है ना। यदि हम आपके माध्यम से हम हमारे ग्रामीण जनता ये निवेदन करते हैं कि ये पुल यदि जल्दी बन जाए, चाहे कोई भी राजनेता बने, कोई विधायक बने, कोई सांसद बने, अगर पुल जल्दी बन जाता तो हमारे यहाँ जो बालक हैं, बालक बालिकाएं गजपुर जा सकते हैं पढ़ाई के लिए, और यहाँ शिक्षा की व्यवस्था हमारा सुधर सकती है। बिल्कुल सर। अच्छा ये बताएं कि जैसा कहा जा रहा है कि रोजगार जो है वो मध्य प्रदेश में काफ़ी दिया है, उन्होंने बीच में बहुत बड़ा विज्ञापन छपवाया जिसमें कहा कि बहुत ज़्यादा उन्होंने रोजगार उपलब्ध कराए हैं, क्या आपको लगता है कि रोजगार उपलब्ध हुए हैं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना वर्तमान शासन जितने वादे कर रही है उस प्रकार से यहाँ रोजगार के संसाधन पैदा नहीं कर पाई, असफल रही है भाजपा सरकार, मैं ही कहना चाहूँगा। और रही बात, बहुत सारे संगठन हैं जिनके माध्यम से बहुत सारे बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, लड़कियां घूम रही हैं, पढ़ लिख कर सब बेरोजगार हो चुके, लेकिन रोजगार कैसे और नौकरियां नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। मैं स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ा हुआ हूं और मैं स्वच्छग्राही संगठन का जिला अध्यक्ष भी हूं, जो कि पूरे जिले का नेतृत्व करता हूं। मेरे साथ लगभग जिले में 650+ स्वच्छग्राही साथी मेरे साथ काम कर रहे हैं, और हम लोग निःशुल्क पंचायतों में साफ सफाई की जो योजना आती है, ग्रामीणों में जो स्वच्छता की अलग जगाने काम, उनमें स्वच्छता की भावना बनाने और शौचालय बनाने, साफ सफाई और कैसे अपन अपने आप को साफ सुथरा कर सकते हैं, इस प्रकार की उन हम लोग जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। इसके बावजूद भी शासन हमारे लिए किसी प्रकार की योजना नहीं लेके आई है और न किसी प्रकार का हमको पारिश्रमिक दी है। हमने इससे पहले भी मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी भोपाल जाकर भी हमने धरना प्रदर्शन किया है, उसके बावजूद भी हमको किसी प्रकार के वादे बिल्कुल नहीं किए गए। हमें चाह रहे थे कि यदि हमको स्वच्छ भारत मिशन में लिया जाता है, हर पंचायत में एक एक स्वच्छग्राही को लिया जाता है, तो स्वाभाविक अपन कोई भी सरकार आए जो वर्तमान हमारे जो करेगी उसके लिए अपन काम करेंगे। जी बिल्कुल। तो मतलब कुल मिलाकर जो बात है वो कि रोजगार युवाओं के लिए वो बहुत ज़रूरी मानते हैं यहाँ के लोग, साथ ही जो है शिक्षा की अगर सुलभ व्यवस्था हो तो वो यहाँ के बच्चे जो हैं वो सही शिक्षा वो उनको मिल पाएगी और वो सही ढंग से उन्हें रोजगार मिल पाएगा। अब मुझे एक बड़ा एक विशेष चीज़ दिखाई दे रही है, ये आपने टी शर्ट पहन रखी है जी। यस सर। ये एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में भी मोदी दिखाई दे रहे हैं। यस सर, है ना, मोदी दिखाई दे रहे हैं मोदी के कार्यकाल में। क्या कारण है कि मोदी जी आपके मन में खाए? गरीबों को रोजगार दे रही, सब भोजन से तेल से रोड बन रही, हाजी फ्री राशन दे रहा है, फ्री में समाधि के पैसे दे रहा है किसानों को। अच्छा, किसानों को क्या पैसे दे रहे हैं? जी अच्छा, ये बताया कि आपने बताया रोजगार भी दे रहे हैं, रोजगार और बेरोजगार को कर्मचारियों को तनख्वाह बढ़ाया ना सर, उनकी कर्मचारियों को तनख्वाह बढ़ाए। अच्छा, आपको लगता है यहाँ गांव में किसी को रोजगार मिला? यहाँ उसे तो रोजगार नहीं मिला है सर किसी को। आप बोल रहे थे कि मोदी जी ने रोजगार नहीं, शिक्षितों को रोजगार नहीं मिला है। शिक्षितों को रोजगार नहीं मिला तो आपके मन में मोदी है, आप कह रहे हैं कि रोजगार मिला है इस वजह से आपके मन में मोदी है? मोदी तो है सरकार से। जी मोदी मन में क्यों है, क्या रोजगार मिला है? आपने कहा कि रोजगार मिला इसलिए, पर आप बता रहे कि रोजगार नहीं मिला सर। नहीं नहीं। अच्छा, तो क्या मिला फिर? नहीं, वही किसानों को, किसानों को यहाँ पे जितना को फसल उगाते हैं उसको सही दाम मिल पाता? सही दाम मिल रहा है सर। सही दाम मिल रहा है सर। कितना मिलना चाहिए? 2500 मिलना चाहिए सर, अभी 2100-2200 रुपये क्विंटल दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सही मिल रहा है, कह रहे हैं कि जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। जैसे बाहर, जैसे छत्तीसगढ़ में जैसे 2500 का है धान सर, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, फिर भी आपके मन में मोदी? यस सर। कांग्रेस की सरकार वहाँ ज्यादा 2500 दे रही है, 3000 दे रही है? कितना दे रही है? 2500 दे रही है सर वहाँ। 2500 दे रही है। और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार 2100 रुपये दे रही है। तो आपके मन में फिर भी मोदी है बता रहे हैं आप, तो कारण क्या है, इतना प्यार, इतना लगाव क्यों है, कुछ विशेष बात है?
लगाव तो ऐसा पहले से हम देते आ रहे हैं, वो भी इसी पार्टी पहले से देते आ रहे हैं, इस वजह से आप के मन में मोदी हैं, है ना। तो ये आपने टी शर्ट भी बढ़िया पहन रखी है, है ना। यहाँ पे जो है ऐसा फोकस करो, यहाँ देखिए इनके मन में मोदी, एमपी के मन में मोदी, लेकिन आपके मन में है नहीं वास्तव में अगर देख। नहीं सर, है मोदी है, मोदी है सर। तो सब कुछ न होते हुए भी जो है आप मोदी जी को के नाम पर, तो वोट तो यहाँ पर शिवराज जी मांग रहे हैं, आप मन में मोदी क्यों है? शिवराज नहीं है मन में? नहीं शिवराज नहीं, शिवराज नहीं है मोदी मन में है, मोदी मन में है, शिवराज मन में नहीं है। इस बार लगता है कि शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? नहीं, शिवराज बन पाएगा सर, पार्टी बनेगी सर उसकी। पार्टी बनेगी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा ही उन्होंने नहीं दिखाया किसी। नहीं सर, मुख्यमंत्री बनेगा शिवराज जी। अच्छा, यस सर। अच्छा, कैसे फिर? तो अभी तो आप कह रहे हैं कि लोग तो नाराज हैं, तो बहुत सारे गाँव के लोग, गाँव के लोग जो जिस टाइप से बता रहे हैं वो सब तो नाराज लग रहे हैं? नहीं सर, नाराज नहीं कोई है, आखिरी में नाराज है। बाकी मुझे सौ में 75 नहीं, नहीं 75 नहीं सर, 50 नाराज है, 50 नाराज है और 50 खुश हैं। खुश है तो 50 में आप हो? यस सर। नाराज वाले में नहीं, खुश वाले? खुश वाले में सर। अच्छा, तो फिर 50% का मामला हो जा रहा है फिर तो, ऐसे में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, मुश्किल नहीं, मतलब नहीं सर, मतलब फिर भी बन जाएगी सर, आपको बन जाएगी। तो देखिए, भले ही रोजगार नहीं है, भले ही जो जितना दाम चाहिए जो फसल को वो नहीं मिल रहा, फिर भी इनके जनाब के मन में मोदी हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि शिवराज नहीं है, मन में मोदी हैं। बहरहाल, हम इस गांव में और भी लोगों से बात करेंगे। आप चूल्हा जला रहे हैं? आप चूल्हा क्यों जला रहे हैं? यहाँ तो मतलब सबको उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है सर। उज्ज्वला गैस कनेक्शन तो हमें भी मिला है हमारी सासू माँ के नाम पे, पर महंगी इतनी हो गई है कि हम गैस नहीं भर सकते सर। अच्छा। और प्रॉब्लम यह है कि अभी भी देखो केरोसिन तेल भी नहीं मिल रहा है। हम अभी पन्नी आपके सामने पन्नी से अंगार जलाए हैं, महंगाई के कारण हम गैस नहीं भरा पा रहे सर। हाँ, आपने कभी भराया भी नहीं? कभी नहीं भरवाया? पहले भराए है। हाँ। पर अब बहुत परेशानी जा रही है, अब मेंटेन घर का कैसे करें? गरीब परिवार के है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी आय है हमारी तो गैस हर महीने, अब ज्यादा से ज्यादा हमारा परिवार जैसे 5 लोग है तो 1.5 महीना 2 महीना मिनिमम चलती है गैस। अब 1.5-2 महीने में 1100 रुपए मतलब मैनेज करना गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है सर। तो शिवराज जी तो जो है आपकी बहनों को 1500 रुपए दे रहे हैं सर। ये 1500 नहीं चाहिए हमें, हम बोल रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए, मतलब नहीं है उसके 1500 से हमको, हमको 1200 कर दिया ठीक है, 1250 में क्या कर लोगे? 1000 की अगर हमको नौकरी दे दे, हम काम करके कुछ कमाना चाहते हैं, नहीं चाहिए हमको उसके 1000 1200 नहीं चाहिए। गरीब है सर, गांव की पब्लिक क्या है, गरीब है, और वो क्या झांसे दे दे के क्या मतलब मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। आपको कितने बार मिला लाडली बहना का? सर मुझे तो 6वीं किस्त मिल चुकी है, 6वीं या 5वीं मिल चुकी है जी। हाँ, एक बार 1000 आया, उसके बाद में 1250 1250 रुपए 2 बार आ गया है। अच्छा। सर क्या किधर पैसे बच ही नहीं पाते, कोई मतलब नहीं मिल रहा है, नहीं चाहिए 1200। क्यों नहीं बच पाते, कहाँ खर्च हो जाते हैं? सर अब घर के मेंटेन में देखिए, जितना भी कमाओ, आज की कंडीशन क्या होगी सर आप भी जानते हो कि भाई एक तेल का पाउच 120 रुपए लीटर, एक तेल का पाउच जो 120 रुपए लीटर कितने दिन चलता है सर? 4 से 5 दिन, दो दो टाइम होते हैं, 4 से 5 दिन कहाँ से मैनेज कर लोगे सर? रोजी उस प्रकार की है नहीं, रोजगार गारंटी की क्या है, 221 रुपए मिल रही है, 4 मिल रही थी पिछली बार, अभी 21 किया है, क्या कर लेगा? और वो भी डेली काम नहीं मिल पाता, गाँव में कहाँ काम मिलता है, 1 सप्ताह 2 सप्ताह, फिर क्या कहाँ से गैस मैनेज करोगे? आप खुश नहीं है? नहीं सर, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अगर उसको अपना भला करना है, अभी चुनाव का माहौल है तो सबसे पहले तो सारी ये बकवास चीजें बंद करने को ना, नहीं चाहिए हमको उसके 1200 रुपए, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। महंगाई के कारण देखो आपके सामने चूल्हा जला के हम चूल्हे पे ही खाना बना रहे,
कहाँ से मैनेज करेंगे सर? नहीं चाहिए उसके 1250, उसी का अगर हमको कुछ काम दे दे, उसके बदलत हमको पैसा दे, तो वो फायदे में रहेंगे हम। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसका माहौल नजर आता है यहाँ? सर अब देखिए, माहौल तो वैसा है कि जनता के ऊपर है, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा, है ना। मेरी सोच जो है, मैं अपनी सोच को व्यक्त की हूँ, अब आगे क्या होना है वो तो सब नहीं पता चलेगा, पब्लिक पे है, क्योंकि मेरे कहने से तो सरकार बदल नहीं सकती। अब मेरे जैसे और भी लोग हैं जो कि ऐसा चाहते हैं, तो शायद इस बार सरकार बदल जाए, इस बार सरकार बदल जाए आपको लगता है? जी, मेरी सोच के अनुसार, मैं नहीं चाहती कि और लोग क्या सोच रहे हैं। और जैसा कि गांव वालों ने बताया, हम यहाँ की ये नजदीक वाली जो नदी है, उस नदी तक पहुंचे हैं, और इस नदिया के पार उस तरफ दूसरी तरफ है हायर सेकेंडरी स्कूल। अगर बच्चों को पढ़ने जाना है तो या तो इस नदी को पार करके जाना होगा, या फिर बहुत लंबा फेरा लगाकर, लगभग 15 किलोमीटर का फेरा लगाकर उन्हें दूर जाकर वहाँ स्कूल में पढ़ने वो जा सकते हैं। तो ये बड़ी समस्या है इस गांव की, और इसके लिए ये लोग लंबे समय से तमाम मंत्रियों, तमाम नेताओं, सभी के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इसका समाधान नहीं मिला है।